क्वेट में 20 कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, 20 कंपनीज को। आप लोग सोच सकते हैं 20 कंपनीज के अंदर में कितना लोग काम करते होंगे, किसी का भी अकाउंट रिन्यू नहीं होगा, किसी का भी। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलता रहता हूँ कि कुवैत में आज़ाद वीज़ा में मत आइए। फिर भी लोग आके कमेंट करते हैं कि नहीं, लोग तो आके काम कर रहे हैं वहाँ पे, पैसा कमा रहा है बड़ा अमाउंट में। सोचिए, ये जो 20 कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, इनका पीछे का रीज़न क्या है मालूम है आपको? क्यों ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, इन लोगों का गलती क्या है? इतना पैसा खर्चा करके जो कुवैत में आए हैं लेकिन अभी उनका अकाउंट रिन्यू नहीं होगा। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि आने से पहले जानकारी लीजिए, उसके बाद ही आइए। इन कुछ दिनों से मैं बहुत सारा वीडियोज डाल रहा हूँ कुवैत का आज़ाद वीज़ा को लेकर। हमेशा बोलता हूँ कि आज़ाद वीज़ा में मत आइए, कुवैत में आज़ाद वीज़ा का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कुवैत में। फिर भी लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे आके कि नहीं, लोग तो कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जाके बड़ा अमाउंट में पैसा कमा रहा है। अरे भाई, मैंने कब मना किया, लोग नहीं कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है कुवैत में, ये इलीगल है। पकड़ा जाएंगे तो उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मैंने बहुत बार समझाया है, आज मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ जो न्यूज में आया है कुवैत का, ये मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। 20 कंपनीज ब्लैकलिस्टेड एज वर्कर्स फॉर वर्किंग फॉर अदर। 20 कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, क्यों? इनका जो वर्कर है वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। मतलब वीजा एक जगह का है, स्पॉन्सर है, एक कंपनी का, मान लीजिए एक कंपनी का वीजा है, उस कंपनी का वीजा में ये लोग कुवैत में आए हैं, लेकिन आके क्या कर रहे हैं, काम दूसरा जगह में कर रहे हैं। वही आज़ाद वीजा जो आप बोलते हैं ना, आज़ाद वीजा। बहुत बार समझाया कि आज़ाद वीजा ऐसा ही होता है कि एक कंपनी में आप पैसा देके खरीद लिया, आके यहाँ पे काम लगा के छोड़ दिया, आपको जाओ बाहर जाके काम ढूंढो, उसी को ही लोग आज़ाद वीजा बोलते हैं। ऐसा कोई वीजा है ही नहीं आज़ाद वीजा, बहुत बार मैंने बताया है। अभी जो ये 20 कंपनी को पकड़ा गया है, 20 कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, इनका भी वर्कर्स किसी और के लिए काम कर रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ के सुनते हैं। द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रेसिडेंसी अफेयर्स इन्वेस्टिगेशन हैज ब्लॉक्ड द फाइल्स ऑफ 20 कंपनीज एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच एम्प्लॉयड रजिस्टर्ड ऑन दिस कंपनीज कैन नॉट रिन्यू देयर रेसिडेंसी परमिट्स। जो भी एम्प्लॉय है इनके अंडर में कोई भी अपना रेसिडेंसी परमिट को रिन्यू नहीं कर सकते हैं, मतलब अपना वीजा को रिन्यू नहीं कर सकते हैं। द डेली सेड दिस हैपेंड आफ्टर द डिपार्टमेंट कॉट सेवरल वर्कर स्पॉन्सर्ड बाय दिस कंपनी वर्किंग फॉर अदर्स इंस्टेड ऑफ देयर ओरिजिनल स्पॉन्सर्स। मोरओवर द अरेस्टेड आर्टिकल 18 वर्कर सेड दैट द कंपनी डिड नॉट गिव देम वर्क एंड दिस दे हैड नो ऑप्शन बट टू वर्क फॉर अदर्स टू अर्न डेली ब्रेड। तो रीज़न सुनिए, क्या बताया गया है कि इनका जो स्पॉन्सर कंपनी है, जिन्होंने इनको बुलाया है, जिस कंपनी से इनका वीज़ा निकला है, उनके लिए काम नहीं कर रहे थे, किसी और के लिए काम कर रहे थे। जब उनको पूछा गया, जिन लोगों को पकड़ा गया उनको पूछा गया क्यों ऐसा कर रहे थे, तो उनका द्वारा बताया गया है कि द कंपनी डिड नॉट गिव देम वर्क, कंपनी ने उनको काम नहीं दिया है, जिनके कारण उनको बाहर काम करना पड़ा ताकि वो अपना डेली का खाने का पैसा कमा सके। तो इनके साइट पे भी लगा दिया, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसलिए बार बार एक ही बात बोलता हूँ, बार बार मैं आप लोगों को ये समझा रहा था बार बार कि आज़ाद वीजा का नाम का कोई वीजा कुवैत में है ही नहीं है। आप लोग इतना पैसा, आपको पता है एक वीजा कितना खर्चा करके खरीदे होंगे, 1000 दिनार, 1200 दिनार, 1500 दिनार, इंडिया का कितना होता है, 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख तक वीजा खरीद के आते हैं। यही वीजा है, ये सब वीजा खरीद के आते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ के कीजिए। हाँ, पहले एक जमाना था, इतना चेकिंग नहीं था कुवैत में, लोगों ने काम किया है, लेकिन अभी का जो सिस्टम है, अभी जैसा चेकिंग चलाया जा रहा है कुवैत में, इसलिए मैं हमेशा बार बार बहुत सारा वीडियोज मैंने डाला है इसी टॉपिक में, बहुत सारा वीडियोज, ताकि आप लोगों का पैसा बर्बाद ना हो, आप लोगों का लाइफ बर्बाद ना हो। यहाँ पे एक बार पकड़ा जाएंगे, फिंगर लगा के वापस भेज दिया जाएगा, दोबारा आ भी नहीं सकते हैं, जितना पैसा आपका तो खराब हो गया है। इसलिए मत लीजिए आज़ाद वीजा, मत लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है भाई, आना है, मेहनत करो, फिर कमाओ, लीगली कमाओ यार। आ जाओ किसी कंपनी का वीजा में, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे के आ जाओ, काम करो, 2 साल के बाद रिलीज ले लो, फिर अपना मर्जी से काम ढूंढ के लगा दो। एकदम सिंपल है, 2 साल तो कम से कम मेहनत करना है ना, लीगली अगर काम करना है, अगर इलीगली करना है, पैसा बर्बाद करना है, वो आपका ऊपर है। देखिए, नसीब का बात है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे थे, पकड़े गए, ऐसा आप भी आके शायद कर लेंगे।
पकड़ा जाएंगे तो वापस भेज दिया जाएगा, तो नसीब का बात है। इसलिए रिक्स मत लो, सिंपल प्रोसेस है भाई, आ जाओ किसी कंपनी में जो लीगल कंपनी है उसमें काम करो, दो साल अपना एक्सपीरियंस ले लो, दो साल के बाद आपको रिलीज ले लो, रिलीज लेके जाके किसी और जगह में काम पे लग जाओ, अपना काम ढूंढ के काम करो। तो गाइस आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, थैंक यू सो मच।